सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग, आपने इससे पहले देख लिया होगा क्लिप्स में कि रस्ते की क्लिप्स जो मैंने डाली थी आपने सिनेमैटिक शॉर्ट्स में देख लिया होगा। तो हम आ गए हैं सेमिनियाक में उबुद से चेकआउट करके, हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। सो आपको होटल रूम का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। साक्षी एरी, हाय साक्षी। तो ये है कुछ इनका वॉशरूम एरिया, छोटा सा यहाँ शार एरिया, यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया वगैरह, यहाँ एक मिरर है, यहाँ पे एक अलमीरा है, और यहाँ पे मिनी बार और केटल वेटल चाय कॉफ़ी के लिए नीचे सेफ है। और ये ऐसे एरिया है थोड़ा वर्क डेस्क। बहुत ही ऐसे क्यूट सा वाइट एंड ऑरेंज रूम की थीम है, एंड बहुत ही प्यारा सा कोजी सा रूम है, एंड जो हमारा व्यू है वो आपको कल दिखाएंगे। हाँ, वैसे कुछ है नहीं, स्ट्रीट व्यू है, बेसिकली अ स्मॉल रोड व्यू विद अ विद बेसिकली रोड व्यू। एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि बहुत भूख लग रही है, एंड यहाँ पे बहुत हैपनिंग सीन है बाहर, बाहर की रोड्स आर सुपर हैपनिंग। आई थिंक आवर फ्रेंड्स आर हियर, लेट्स गो, चलें। सो लेट्स गो। सो ये है हमारी कुछ होटल लॉबी, बहुत बड़ी सी, और यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर है, और हम जा रहे हैं अब नीचे कुछ खाने पीने के लिए, डिनर करने, बिकॉज यहाँ पे बज गए हैं 7:30, 10 बज गए। ओके, सो हम लोग आ गए हैं सेमिनियाक की मार्केट में, और कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए सामान देख रहे हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ अच्छा मिल जाए तो, अगर मिल जाएगा तो आपको दिखा दूंगा कि क्या लिया और कितने का लिया है, क्योंकि यहाँ पे रेट तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, बट बार्गेनिंग चलती है, तो लेट्स सी क्या होता है। शेड्स की शॉपिंग। सो तुझे क्या पसंद आया? ओके, सो दिस वन, ये एक शेड है, इसमें बेसिकली मेरी आईज दिख रही है, इसमें थोड़ा अच्छा लगा। और दूसरा, माय गॉड, लुकिंग वेरी नाइस। हां, मैं तो कह रहा हूं दोनों ले ले। नहीं, मुझे एक ही लेना। अच्छा, एक ले ले फिर। और मुझे आ रही है ये नाइकी की स्लिपर्स पसंद, मतलब नॉर्मल ऐसे घर पे पहनने के लिए या थोड़ा बाहर नीचे इधर उधर चले गए, बट बारिश वारिश के लिए नहीं, स्लिप हो सकते हो तुम इसमें। सो लेट्स सी, अगर ये सही रेट लगा देंगे तो मैं ले लूंगा। अभी तो ये बोल रहे 2.5 लाख IDR, मतलब 1,250 रुपये के अराउंड, बट हम बार्गेन करेंगे। सो हम लोग गिली टी भी जाने वाले हैं ऑन 2nd of January, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं चेक करने के लिए कि प्राइसेस क्या है फास्ट बोट के, और उन्हें अभी चेक कर रहा है, और फास्ट बोट चलती है क्या चलती है, सो ये बता रहे हैं अभी। सो लेट्स सी, 1,500,000 रुपया पर पर्सन फॉर गोइंग एंड बैक, बट वी हैव फॉर स्पेशल प्राइस फॉर यू और डिस्काउंट फॉर द प्राइस। सो हम लोग आए हैं मनी एक्सचेंज कराने, एंड यूएस डॉलर का अभी यहाँ पे एक्सचेंज रेट है 15,075, जो कि हमें उबुद में मिला था 15,250। हाँ, 250 रुपये, और एक जगह 300 भी था, एक जगह 300 भी था, तो अब हम थोड़े से कम में करवा रहे हैं। आई थिंक 45 लाख समथिंग यहाँ मिलेगा ना, इंडोनेशियन रुपया 4.5 मिलियन। सो पैसा ही पैसा मिल रहा है बहुत सारा, ये 1-1 लाख के नोट है सारे। सो इतना पैसा मिल गया हमें, इतना 45 लाख है, 45 लाख, 45,22,500 पैसा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। 400 400 ओके, सो हमने खरीद लिया शेड्स, दो साक्षी ने खरीदे और दो रेम्या ने खरीदा है ना, और मेरे लिए चप्पल भी खरीदी थी भाई, वो नाइकी वाली। कितने का पड़ा, कितना बोल रहे थे, कितने का पड़ा? बोल तो वो बहुत ज्यादा रहते हैं, आई थिंक 10,000, हमने ऑलमोस्ट लाइक 50% करा ली, 2,50,000 अच्छा, हम लोगों ने तो वही 3 लाख में हमने चार शेड्स खरीदे, मेनली वो 10 लाख के चार शेड्स बोल रहे थे, और तुमने 3 लाख में ले लिए, और मेरी चप्पल ये बोल रहे थे 2.5 लाख IDR की, और वो मिल गई है 1 लाख में, मतलब 500 रुपए की पड़ी। काजोल करीना, सेकंड फेवरेट काजोल ही है। संजय दत्त सर, संजय दत्त, संजय दत्त, संजय दत्त, संजय दत्त, बहुत बढ़िया, बाय बाय, सी यू, शुक्रिया शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये है सेमिनियाक का ट्रैफिक रात के 10:30 बजे, ये हालत है यहाँ पे भाई। ओके,
सो हम लोग आ गए हैं अब एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और हमें इंडियन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हमने मंगाया है दाल मखनी, पनीर टिक्का मसाला, बटर नान, तंदूरी रोटी, बहुत कुछ। यहाँ पे रात के ऑलमोस्ट 10:45 बज गए, तो एक और इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे नॉन वेज भी मिल रहा था, बट वो बंद हो गया है। प्योर वेज रेस्टोरेंट में आए हम लोग इसलिए खाना खाने, और बस ये खाते हैं और देखते हैं बाली में आके इंडियन खाने का टेस्ट कैसा है वो देखते हैं। सो इंडियन खाते हैं और आपको बता दो फिर जैसे आता है कि कैसा है, और टेस्ट बता दो कैसे। तो ये बाली में इंडियन रेस्टोरेंट में आके सब खुश हैं। सो आ गया है हमारा पनीर टिक्का मसाला, दाल मखनी विद अ हार्ट, और ये है रोटी बास्केट जो कि बहुत देखने में यम लग रहा है। टेस्ट करके बता रिव्यू। ओ हो, इंस्टाग्राम के बीच में यूट्यूब रिव्यू रह गया यार, ये क्या हो रहा है। प्रॉपर पनीर टिक्का इतना तो इंडिया में अच्छा नहीं मिलता शायद। सही में? हाँ, स्वाद। चलो लेट्स हैव। अच्छा ओके, दाल मखनी का रिव्यू बताइए। थोड़ा ये क्रीम भी चाहिए भाई, ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है, तो फटाफट खाते हैं और आपको बताते हैं उसके बाद कि हम क्या करने वाले हैं। A little longer than a few minutes later. So finally हम लोग कैलाश पर्वत में खाना खा के निकल चुके हैं, और सही खाना था। दाल थोड़ी मतलब इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं थी। पनीर हमने एक और पनीर मंगाया था, उसके बाद पनीर लबाबदार, वो ही बहुत अमेजिंग था। और ऐसे लग रहा है आत्मा फिर से अभी तृप्त हो गई है इंडियन खाना खा के भाई। मतलब इंडियन खाना तो चाहिए ही होता है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पिज्ज़ा पास्ता बर्गर खा लो, लेकिन इंडियन खाना जब तक नहीं मिलता तब तक मज़ा नहीं आता। तो फाइनली इंडियन खाना खा के अब हम निकल गए हैं, शायद किसी क्लब में जा रहे हैं। क्लब नहीं मतलब ऐसे कैफे लाउंज टाइप में, थोड़ी देर बैठने के लिए और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल बहुत लंबा दिन है और कल बहुत मज़े आने वाले हैं। और आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ एग्जैक्टली जा रहे हैं कल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। 31st है कल, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे, और मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। अगर कहीं जा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी सी क्लिप्स, अदरवाइज होटल रूम में जाके मिलता हूँ। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं रूम में, और हम जो कैफे लाउंज जाने वाले थे जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक वो बंद हो चुका था, तो इसलिए हम लोग आ गए रूम में। और बस अब इतना ज़्यादा थक गए हैं कि सोना है, सो सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल। सो फाइनली सुबह हो गई और हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने, ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमें फटाफट जाना है कहीं पे पार्टी करने, और टाइम हो गया है 3:30 बज गए और हम अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सारे जूसेस हैं, ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया। सो बस खाना भी मंगाया है, खाना दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में क्या क्या है। आई हैव गॉट ब्रेड्स डन। हां, इससे साक्षी ने ब्रेड्स कर रहा है। मैंने कम कराई है ना, मैंने क्यूट वाली कराई है, मैंने थोड़ी पूरी सारी कराई। इसके बाद वैसे लग रहा था जो लिफ्ट में नहीं मिली थी, हां उससे वैसे ही लग रहा था। इसके बाद नहीं, उसके भी ब्रेड अच्छे लग रहे थे, ब्रेड अच्छे लग रहे थे। दिस इज किंग्स। सो हमारा ब्रेकफास्ट आना स्टार्ट हो गया। अरुण का है टेस्टी प्रोटीन ऑमलेट है विद ब्रेड, और मेरा है किंग्स ऑमलेट विद ब्रेड, इसमें स्पिनच और मशरूम्स है, और तेरे में इसके में भी मशरूम्स दिख रहे हैं मुझे, और टोमेटोज। ओके, सो हमारा ऑर्डर आ चुका है। सो वी हैव गॉट दी स्मूदी बोल्स, एंड इसमें सब कुछ ब्लेंडेड था। एक्चुअली हमने पावो बोल विदाउट ब्लेंडेड, यस, एंड विद ओट्स, जिस में मुंह में खाते ओट्स जैसी फीलिंग आए। हां, उन्होंने ब्लेंड कर दिया। ओए गाइस, सो वी ईटिंग दिस वेरी क्विकली एंड विल बी शोइंग यू कि हम कहां जा रहे हैं। तो ये हमारा होटल है और हम यहाँ पे आए थे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट के मतलब 3:30 बज गए, तो खाना खाने आए थे और खाना खा लिया, और अब निकलेंगे हम से पार्टी करने। सो पार्टी करेंगे, और क्या बात है, क्या बात है, दोनों के आउटफिट OOTD एंड OOTN। हम लोग, मैंने ये पहना हुआ है अभी और फिर चेंज कर लूँगा बाद में वहाँ पहुँच के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तो मिलते हैं आपसे। So, हम लोग बैठ गए हैं स्कूटी पे और जा रहे हैं अपने बीच क्लब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैठे हैं हम लोग। तो ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे क्योंकि ट्रिपलिंग का कोई फायदा नहीं। ये भी एक अलग एडवेंचर है। और आगे रेम्मे और अरुण जा रहे हैं अपनी ट्रिपलिंग करते हुए, अरुण के पैर लटके हुए। सो न्यू ईयर पे बाली का ये कुछ हाल है भाई, ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत तगड़ा, पीछे भी है आगे भी है, हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक। सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, सब लोग पार्टी मूड में। हमारा बंदे पता नहीं कहाँ रह गए स्कूटी में। A few minutes later. तो मौसम हो रहा है सनी, इसलिए हमने शेड्स पहने। हम बीच में किसी सामान लेने के लिए अभी रुके हुए हैं, तो रेम्बे और उनका वेट कर रहे हैं हम। और ऐसे है बाली की रोड जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, अभी न्यू ईयर में तो ज्यादा हो गया। इसलिए हमने टैक्सी ले ली, हमने ऐसे स्कूटी ली। अंशुल जी यहाँ पे फोटोज दे रहे हैं, मैं अपना ड्रिंक पी रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की पार्टी के लिए। पार्टी करने वाले हैं आज हम रात में 2 बजे तक। तो चले, चलो मिल गया सामान, चलो लेट्स गो गाइस।
ये है एटलस बीच फेस्ट क्लब, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीच क्लब है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फिन्स की तरफ, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट बीच क्लब है। फिन्स में आज हमारी पार्टी है, हमने ऑलरेडी टिकट्स वगैरह ले रखी है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से इसकी एंट्री, और अब सीधे सीधे सब लोग पैदल जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्कूटीज वगैरह टैक्सीज कुछ अलाउड नहीं है, इससे सब लोग पैदल जा रहे हैं आगे फिन्स की तरफ। जाते हैं और इंजॉय करो आप। Just entering Finns. Hello. So, guys, checking ho rahi hai yahan pe properly, and this is the section. So, we're going inside. And yahan pe bahut sare aise counters hain. VIP, normal, and yes. See. So, ye abhi chal raha hai yahan pe, bands band rahe hain. पता लग जाए कि हम कौन से सेक्शन के अभी हैं। एट वीआईपी कॉर्पोरेट। यस, बांधी है। ओके, ऑलवे इनसाइड। 1 मिलियन। ओके। 10 लाख रुपए इसके तो 10 लाख रुपए। बाय। चल 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 जल्दी लेके जा रही हूँ मैं। ओ, तो हमें एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं। ये जो फिन्स की लेडी है और ये ऐसा एरिया पूरा। बढ़िया था गुरु। It's amazing.
destination is in sight. Get out!
सो फिन से हम लोग निकल रहे हैं फाइनली पार्टी वार्टी करके, क्योंकि रात के बज गए हैं 1:30 बज गए हैं। हम 7-8 hours पार्टी करी नॉन स्टॉप, 7-8 घंटे से पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि ये डे क्लब है तो ये 1-2 बजे तक बंद हो जाता है। नहीं वैसे 12 बजे बंद हो जाते हैं, बट अभी न्यू ईयर है आज तो इसलिए 2 बजे तक बंद होगा। तो हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन भी ढूंढने, और पता नहीं अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज भीड़ बहुत होगी, सब लोग जा रहे हैं। और रेम्य और अरुण भी आ गए, चश्मा नहीं उतार रहा भाई ये। तुम दोनों के चश्मे कहाँ गए? बैग में रखा है। हम ही दोनों पहन के घूम रहे बस। थैंक यू बाय। मैं आपको संभाल के रखूंगी, टूट ना जाए। ओ अभी अभी गिरा है तूने थोड़ी देर पहले, जो टूट गया था पूरा। हाँ क्या आप क्या क्या प्लान कर रहे हो? नासी को रहेंगे और मी को रहेंगे। पेट एम्प्टी। और सब लोग जा रहे हैं, बिकॉज पार्टी ओवर नाउ, घर को जाएंगे। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग खाना खाने, तो मैंने करा है चिकन मी गोरेंग, साक्षी ने मशरूम एंड एग मी गोरेंग, और रम्या ने भी सेम, अरुण का कुछ नहीं आया अभी तक, और साथ में हम पी रहे हैं कोक जीरो। The next day. Good morning. So guys, उठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत हैप्पीनेस के साथ, और आप सब बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। ऑल्सो गाइज, इट डिपेंड्स न्यू ईयर पे किसके साथ होना ना होना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो आई होप आप सब अपने क्लोज वंस के साथ आपने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हो। मैंने अपने क्लोज वन के साथ किया है, अंशुम के साथ, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सो ऑल्सो अब हम जाएंगे, सबसे पहले हम अपना दिन शुरू करना चाहते हैं, आज 1 January है, तो अंशुम कैसे स्टार्ट करेंगे दिन? हम जाएंगे सबसे पहले मंदिर, पहले भगवान की ब्लेसिंग्स वगैरह लेंगे, और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। और हाँ, आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, लेकिन आई थिंक आप लोग बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे व्लॉग, मतलब हम लोग तो लेट डालेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट को थोड़ी ना डाल रहे हैं कोई। फिर भी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम लोग तो अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं एग्जैक्टली। एंड हम जा रहे हैं मंदिर, जाएंगे यहाँ पे 1 January को, हम स्टार्ट करना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, इसलिए हम टेम्पल जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा दिन शुरू होगा, हम रुकते नहीं है, थकते नहीं है, यानी कि पार्टी कर ली थक गए, नहीं, फ्रेश स्टार्ट होगा। एंड हमारे दोस्त भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो लाइव लाइव टेलीकास्ट ऑफ मिस्टर अरुण। हाय, थका हुआ था, लग रहा तू कि फ्रेश लग रहा है, बंदा फ्रेश है हमारा, बंदी भी फ्रेश है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो बहुत ही दुखद न्यूज है कि ये कॉर्पोरेट वाला जो भी VIP का इनका टैग था फिंस का, ये कटने जा रहा है। सो प्लीज बाय बाय, काफी दर्द हो रहा है सबको।
कट भी नहीं रहा ढंग से, कट भी नहीं रहा भाई। ये भाई हमारे 20 लाख रुपए कट रहे हैं, कट रहे हैं 1 करोड़ रुपए कट रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा, 5-4 करोड़। हमने एंड हो गया, करोड़ों वाली पार्टी कर ली है। इतना टाइट कैसे बांध दिए इसको भाई? मेरे को इतना नहीं, इन्होंने ऐसा करा है ताकि, क्योंकि यार 8-10 घंटे चलाना, बार बार चेक करना, इसलिए उन्होंने ऐसा भाई सिस्टम भी पूरा भाई पूरा सिस्टम था यार, बढ़िया वो डरता भी नहीं है। हमने भी कहते हैं इसका रिमूव करने का, उतरा भी नहीं है। ये बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा बीच क्लब था, वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब एंड सही में बेस्ट पार्टी आती है यार, बेस्ट 31st पार्टी करी अब तक की है। और गिर गया कूड़े में।